काम शूट के लिए रेडी हो रहे हैं, बहुत ही अजियतनाक, और जिसे कहते हैं ना कि चीज़ों को फेस करना पड़ता है, लॉ वर्क पर चेक कर ट्रेंड। फारसी साहब, इस स्क्रिप्ट के बारे में क्या कह रहे थे? प्लीज मतलब ये हमारे लिए क्रेडिट की बात है ना कि हम लोग एक क्या छह लाइनों के अंदर एक जुमला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं सब लोग? आज हम जो है दूसरा दरवाज़ा के सेट पे मौजूद हैं। रास्ते में थी, कुरान शरीफ की तलावत सुन रही थी, तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि चले मैं लोकेशन पे पहुंच के जो है ना आप लोगों को सलाम दुआ करूँगी। आज की मस्तियाँ, आज के काम, चीज़ें, मामला आपको दिखाते हैं। ये देखें, सुबह सुबह चाय पिला दें, ठीक है, नाश्ता नहीं किया, सुबह सुबह जादे वादे सोचें। आप मैं आई हूँ और आते साथ जो है ना चाय पीने की तैयारी हो रही है। काम शूट के लिए रेडी हो रहे हैं, बहुत ही अजियतनाक, और जिसे कहते हैं ना कि चीज़ों को फेस करना पड़ता है, लॉ वर्क पर चेक कर ट्रेंड। बहुत मेहनत कर रही हैं रील बनाने में, हमारे ड्रामे की हीरोइन, व्लॉग बना रही हूँ मैं। ये टेंशन फिल्म, ये वही है, लेट आने पे भी गुस्सा करके बिला वजह ना, मतलब ये हीरो सा। अस्सलाम वालेकुम सब लोग, कैसे ठीक ठाक? आज मेरे साथ माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत बड़े सीनियर एक्टर साथ हैं, वारसी साहब, और जो है ना मैं उनके साथ बात करूंगी। वो दूसरा दरवाजे पे हमारे माशाल्लाह हीरो काम कर रहे हैं, और बड़े अरसे के बाद ही राम कहानी सुना रहे थे कि मैं किस तरह आमद हुई है मेरी इस चैनल पे काम करने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हां, क्या दास्तान सुना रहे थे? वैसे एक बात बताऊं मैं? हां, बड़ा बारीक काम दिखा दिया आपने। अच्छी बात है ना, ये मैंने इससे पहले भी टीपू के साथ भी शूट किया, मिजना के साथ भी किया, आज आप में मैं अच्छे अच्छे लोगों के साथ व्लॉग शूट करती हूँ। यार असल में पता क्या, मैंने लाइन छोड़ दी थी। लाइन छोड़ दी थी? तकरीबन 7-8 साल मैंने काम नहीं किया। अच्छा, जानता भी नहीं था, किसी को भी नहीं जानता, सब भूल पाल गया। मेरी एक बेटी है और बहुत प्यारी है, वो मेरे से बहुत डरती भी है, मेरे पास आती नहीं, मगर प्यार मुझसे बहुत करती है। तो कहते हैं कभी कभी कबूलियत का दिन होता है, अल्लाह कबूल करता है, कोई बात ऐसी हो जाती है कि फौरन कबूल हो जाती है। वो बच्ची ना, मैं अपने घर में बैठा अपने मोबाइल देख रहा था, तो मेरे सामने आके खड़ी हो गई, मेरी अचानक नज़र पड़ी तो देखा सामने खड़ी मेरे, तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ बाबा, क्या देख रही हो? कह लिए पापा आपको देखना है। मुझे देखो? नहीं, यहाँ नहीं, फिर टीवी पे देखना है। अरे मैंने कहा बेटा मैंने तो लाइन छोड़ दी है। अब मैं और अब कहेंगे नहीं पापा आप मना कर देते हैं। अच्छा मैंने कहा चलो, मैंने उसका दिल रखने के लिए कहा कि मैं नहीं मना करूँगा, अगर किसी का फोन आएगा तो मैं कर लूँ, कहेंगे प्रॉमिस? मैंने कहा बेटा प्रॉमिस। जाकर माँ के पास बैठ गई अपने, मैं देख कुछ और मांग लेती हूँ। सही बात है, ये मन टीवी वालों का जो मेरे पास चैनल वालों का फोन आ गया 10 मिनट में। अब मैं उनसे, क्योंकि आवाज, मैं रहता हूँ बैरी टाउन में, आवाज जरा वहां कटती है, सुनाई नहीं देती। अब मैं पूछ रहा हूँ मन, हम, वो कह रहे मन, मेरे समझ में नहीं आ रहा हम या मन। मैंने कहा यार वाजी नहीं आ रहा, कहेंगे मन। मैंने कहा अच्छा ऐसा करे, मैं तो काफी अरसा अभी कह ही रहा था, तो मेरी बेटी ने वहां से इशारा किया मना मत कीजिएगा, कान खड़े हो गए उसके। सही। तो मैंने कहा यार ऐसा है, 2-3 दिन बाद मैं कराची आऊंगा, तो फिर मैं आप अपना चैनल लोकेशन मुझे सेंड कर दें, फिर मैं मुलाकात करूंगा, अगर मुझे पसंद आएगा तो करूंगा, नहीं पसंद आया मैं डायरेक्टली आपको मना कर दूंगा। कहेंगे ठीक है वर्षी भाई आए। और दूसरे दिन उसी ने मुझे भेजा, कहते पापा जाए ना, पापा जाए ना। खैर मैं आ गया या कराची में, इनके साथ बात की, मैंने मीटिंग की, मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगी, रोल भी मुझे बहुत अच्छा लगा।
बहन जहन के अंदर बेटी घूम रही थी मेरी, सही। तो जो प्रोफेशनल बातें होती हैं ना वो चैनल वालों के साथ मैं नहीं कर सका, क्योंकि मेरी जहन में बेटी थी, सही सही, और उसकी ख्वाहिश में मुझे काम करना था। यकीन करें अगर खुदा की कसम मुझे ये पता था कि इतना बड़ा रोल है ये और मुझे 2-2.5 महीने लग जाएंगे इसको करते करते, मैं नहीं करता, इतना बड़ा बोझ मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अच्छा, तो छोटा सा काम भी अब नहीं कर पा रहा था, तो मुझे तो बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम, सही। बड़ी मुश्किल से मैंने खैर जहन बनाया अपना, मगर मैं कर तो रहा हूँ, लोग पसंद भी बहुत कर रहे हैं अब तो। अभी बहुत अच्छा ड्रामा हो गया दूसरा दरवाजा। मेरे पास लाहौर की 2 सीरियल्स हैं मेरे पास, मेरे पीछे लगे हुए सही, कुछ यहाँ है कि वारिस भाई आपने बैक किया है यार, हमारा काम कर ले। हूँ मैं प्रोफेशनल हूँ, जहाँ एक जगह काम करते हैं ना, जब तक उसका काम खत्म नहीं होता दूसरी जगह काम नहीं करता, मैं तो नहीं करता। सही सही, क्योंकि मैं दिहाड़ी वाला आदमी तो हूँ नहीं, एक घंटा भर के लिए पैसे काम के लिए और घर चले गए, ऐसा नहीं। सही, तो ये है कि अभी इनका काम कर रहा हूँ, ऑनेस्टली कर रहा हूँ, जब ये खत्म हो जाएगा, अभी अभी 1.5 महीना और बाकी है, तो कैसे अल्लाह अल्लाह मेरी जान छोड़ा, 2-4 महीने तो मैं अरेस्ट करूँगा फिर करूँगा। चलो गुड हो गया, थैंक यू। क्या कह रहे? आपके साथ भी तो ड्रामा किया मैंने। हाँ, हम लोग बिलाल की शूट पे थे, बिलाल की भी शूट पे थे मेरे ख्याल, और भुट्टो की भी एक की थी, एक किया था। हाँ, वो भी किया था। अच्छा, साथ अल्लाह का शुक्र है, और आज भी हम साथ हैं, इंशाल्लाह साथ हैं। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, आपके व्यूअर्स को सलाम अलैकुम। थैंक यू। क्या लेकर आ रहे हो मेरे लिए? फ्रूट चाट। फ्रूट चाट कौन सी वाली कह रहे हो? नहीं मिलेगी जो आप खाती हैं वो नहीं मिलेगी, मैं वो लाऊंगा जो आप खाती नहीं है। अच्छा, चेक करें आप, मतलब आप इनकी चॉइस का हम खा रहे हैं। चले ठीक है, आप ले आए। पार्थी साहब, इस स्क्रिप्ट के बारे में क्या कह रहे थे? प्लीज, मतलब ये हमारे लिए क्रेडिट की बात है ना कि हम लोग एक क्या 6 लाइनों के अंदर एक जुमला है, 6 लाइनों का 7 लाइनों का एक जुमला। हाँ, सोचे एक्ट्रेसेस कितनी मेहनत करते हैं, कितने मेहनत से काम करते हैं, इसी तरह हम व्लॉग भी बना रहे, तो लोग ड्रामा देख के कैसे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, तो हर काम बड़ी मेहनत से करते हैं, कर रहे होते हैं, अप्रिसिएशन लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रेडिट रखती है, लेकिन हमारे काम वाले भी नहीं करते इतना। क्या ख्याल है, काम में भी अप्रिसिएशन इतनी नहीं होती? नहीं, असल में क्यों नहीं होती, जिस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, या नहीं करने वाले जो कर चुके हैं वो तो यादगार कर, बेशक। अब इस दौर में यादगार कोई चीज नहीं होगी, यादगार नहीं होगी अब, नहीं। ओहो, वो पीटीवी के दौर में, सही सही, जो पीटीवी ने प्ले दिए हैं ना वो ये, लेकिन अभी तेरे बिन चला है, अच्छा ये यादगार नहीं है, यादगार नहीं है, यादगार मतलब भूल गए लोग। अच्छा, अब जैसे पीटीवी के आज तक लोगों को याद है, वारिस याद है, खुदा की बस्ती याद है, हवाएं याद है, हवाएं याद है, इस तरह के ये नहीं याद होगा। दश ड्रामा कितना चला था, मैं कह रहा हूँ पीटीवी ने बाकायदा ड्रामे दिए, अच्छा ये भी दे रहे, ये नहीं है नहीं दे रहे, अब इतना मीडिया फैल गया है तो याददाश्त इंसान की कमजोर भी जा रही है। हाँ सही, तो मेहनत की सख्त जरूरत है। उस जमाने में एक ही चॉइस थी, पीटीवी का लोग देखते थे, वो जहनों में नक्श है। सही सही सही, अब ये क्योंकि नर्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद दूसरी गाने आ जाती है, सही सही, उसके बाद तीसरी आ जाती है, तो लोग भूल जाते हैं। सही सही सही, बच्चे आए हैं मुझसे मिलने के लिए, चिंगड़े बिंगड़े देखे कितने प्यारे हैं, किड़ी उड़ी उड़ी उड़ी, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सैम को चेक करें एज यूजुअल। मैं अपने कामों में बिजी हूँ, मैं मुझे बहुत जरूरी, जोर से आ रहा है, जोर से आ रहा है, और बस मेकअप आ रहा है बहुत अच्छा। हाँ नहीं, लाइट हो गई है, अरे तुम क्यों मिलाएं, आगे बंद होगी, आप चुप हो जाए, सैम को ना असल में मेरे साथ मेरे साथ बहुत ज्यादा मजा आ गया है, वो इस वजह से क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छा मसाज करती हूँ, रात पैरों में मैडम को रिलैक्सेशन, जबकि ये चीजें मुझे चाहिए, को जो है ना हमारे मेकअप आर्टिस्ट को रात ही रखना पड़ता है, मेकअप आर्टिस्ट को टेंटम उठाने पड़ते हैं जी, मैं तो उठाती हूँ क्योंकि ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड। सर देखिए, ब्लॉग शूट हो गया, आप अपने बारे में इस तरह मत प्रटेंड करना, मैं ये कट नहीं करूंगी, नहीं करेंगे, आप मुझे बीच में आके डिस्टर्ब नहीं करेंगे, देखिए ना आप नहीं करेंगे, मेरा फेशियल हो रहा है, मुझे रिलैक्स हो रहा है।
चलो आओ जल्दी से। अब ये देखे बच्चे आए हमारे सुपर स्टार जो है ना वीडियोस बना रहे पिक्चर्स बना रहे आजकल का दौर जो है वो वैसे अपनी तुम्हारी उम्र भी आ रही होगी दिल कर रहा है मोबाइल दो तुम्हें अपना नहीं नहीं आ रही नहीं आ रही ऐसा भूल दे मेरा तुम बड़े कमजोर हो तुम बहुत कमजोर नहीं आ रही ना बुरे लगते नहीं आ रही चलो चेक करें इसको गाइस ये इतने सारे बच्चे माशाल्लाह मेरे नहीं अल्लाह ताला मुझे ये सारे इनके हैं सारे डाउनलोड करना चाह रही हैं कहने का मकसद ये कि लाइफ में रिलेशनशिप में हो काम में हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जब बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आ जाती ना तो डेफिनेटली मैं भी यही समझती हूँ कि उसकी क्वालिटी का एक तो मयार ख़त्म हो जाता है और जो अच्छे लोग होते हैं जिनका अपने क्लास लेवल होता है वो अपनी उन चीज़ों को उसी हिसाब से मेंटेन करके चलते हैं चाहे वो काम में चूजी हो रिलेशनशिप में हो। तो इसी तरह जो लोग ज़्यादा वैरायटीज़ रखते हैं ना वो बेचारे डामाडोल ही रहते हैं और उनको ज़्यादा प्रिसिशन होती भी नहीं है। पॉइंट में किस तरीके से किस वजह से बोल रही हूँ आप समझ गए होंगे।